नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रावण सीएलसी सीकर से। आज 19 नवंबर 2022 को ये वीडियो पूर्णतः उन बेटे बेटियों शूट करने जा रहे हैं मैं सुनील सर मिल के, जो नीट 2022 में जिनका स्कोर 590 था, 595 था, और उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं काउंसलिंग में मॉपअप राउंड पे लास्ट वन जाते जाते हमें कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सब जानते हो नीट 2022 का जो मूल राउंड है काउंसलिंग का, सेकेंड रिजल्ट आ चुका है। जनरल 600 दो बंद हुआ है, ओबी 600 एक बंद है, EWS 598 बंद है, SC 474 बंद है और ST 444 बंद है। तो निश्चित रूप से इन नंबरों के आसपास के बच्चे जो सुनील सर थे ना, उनको उम्मीद थी, हमें भी थी कॉलेज मिल जाएगा। कोई बात नहीं, कॉलेज नहीं मिला, पैनिक नहीं हो। हरिवंश राय बच्चन साहब की बात याद रखो, मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब ये है आपको कॉलेज आज नहीं मिला, इसका अर्थ कहीं नहीं है कि आपका भविष्य कहीं खराब है। हो सकता है एक अच्छी कॉलेज का गेट आपका इंतजार कर रहा हो, ऐसा ही कोई विजय ग्राउंड का जो हमारा सेल्स का सुंदर सा गेट है, वैसे किसी अच्छी किसी एम्स का, किसी अच्छे देश की रेपुटेड मेडिकल कॉलेज का गेट आपका इंतजार कर रहा हो कि आप इस दरवाजे में आए। सर, कि अब इन बच्चों के सामने प्रॉब्लम है कि पढ़ाई स्टार्ट कहां से करें, उनको क्लास की जरूरत नहीं होती है, ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं। और सीएलसी और श्रवण की आदत है कि जब बच्चा प्रॉब्लम में आ जाए तो उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो आपकी सीएलसी ने नीट 2023 के लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, नाम है मिड सेशन टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 टॉपिक फिजिक्स के हैं, 20 केमिस्ट्री के हैं, 20 बायोलॉजी के हैं। और 23 नवंबर से लेकर 28 जनवरी तक हर बुधवार शनिवार को पार्ट टेस्ट आते हुए, संडे को मेजर टेस्ट आते हुए, 20 पार्ट टेस्ट, 5 मेजर टेस्ट आते हुए कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें हम लोग कवर करा देंगे। तो दोस्तों, आप लेट नहीं करें, वेट नहीं करें, उंगली पकड़े सीएलसी की, उंगली पकड़े अपने बॉस की और नीट 2023 में वो करें जो किसी भी कारणवश नीट 2022 में आप नहीं कर पाए। अब बात आती है टेस्ट सीरीज जोन कहां कहां कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए सीकर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, हिसार और दिल्ली से सेंटर हमारा बुरारी है, वहां आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं। फिर एक बात आती है, अक्सर फीस को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑनलाइन की फीस 4,500 रुपए, ऑफलाइन की फीस 9,500 रुपए है, 8,500 भी है, 7,500 भी है, वो डिपेंड करता है आप नीट का स्कोर क्या है। इन सब की डिटेल देखने के लिए clcparivar.in हमारी वेबसाइट है, वहां जाओ, शेड्यूल पूरा मिल जाएगा और फीस पूरी मिल जाएगी, स्कॉलरशिप किस बेस पे है वो आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक बात और है जी, जी कई बच्चे कहते हैं फिर उसके बाद आपकी बायोकेम स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होंगी अगली, उनकी फीस क्या रहेगी। तो सुन लो भाई, इस फीस में नीट 2023 तक के सारे टेस्ट शामिल है, अलग से उनका कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, जो हमारी बायोकेम की बुक्स आएंगी उनका निश्चित रूप से चार्ज अलग होगा, उसका जो भी चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। ये बातें मैं सारी खुद ही बोल देता हूँ भाई, ताकि कोई किसी प्रकार की क्यूरी आपके पास नहीं रहे। इसके अलावा भी आपको टेस्ट संबंधी कोई इंक्वायरी करनी हो तो विकास भूरिया नाम के बंदे हमारे इंचार्ज हैं, जिनका नंबर है 9414037884। दोस्तों, उससे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड देख लो, जिन पे सारे हमारे सेंटर्स के एड्रेस हैं, वहां जाएं, 23 नवंबर को पहला टेस्ट दें और 28 जनवरी तक सेल्स पूरा करें। और इस वीडियो को जेई के बच्चे देख रहे हैं, उनको इंतजार करना पड़ेगा, जेई की मिड सेशन का अनाउंसमेंट हम करेंगे 1 दिसंबर को। हाँ, वो स्टार्ट 1 के आसपास होगा एंड वो 28 जनवरी को होगा। एक बात और सुन लो, ये टीएस सबसे फ्रूटफुल किसके लिए सुनील जी? उन बच्चों के लिए जो घर तैयारी कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए भी जो 11-12 फाउंडेशन किसी कोचिंग से किया और जिनका कोर्स पूरा हो गया, उसकी कोचिंग इस प्रकार का टेस्ट नहीं दे रहा है, तो वो सीएलसी के टेस्ट के माध्यम से अपने रिजल्ट को दोस्तों तैयार करें। प्रोफेसर, एक लाइन आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? हाँ, एक जैसे अभी बात आई थी बायोकेम की बुकलेट की बात आई थी, उसके चार्जेज वो मैं बता दूं, 2016 से लेकर 21 तक जो बायोकेम हुई है 22 तक उसको रीफिल्टर करके दिया जाएगा और वो 8 मार्च को मेरे बर्थडे पे लॉन्च होगी। और ये जो 25 पेपर होने जा रहे हैं ना, जैसे क्लासरूम में जाते हैं बच्चों से जो फीडबैक आ रहा है ना इन पेपर को लेकर, वो जैसे रिपीटर बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं हम किसी 12th वाले से दोस्ती कर लेते हैं। हाँ, ये बात सुनना, इस बार हमारे क्लासरूम के बच्चे भी टेस्ट देने परमिशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये टोटली उस बच्चे के लिए जो कोर्स पूरा हो गया या सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो इसी के साथ बात को पूरा करते हैं। डियर, एक प्यारा सा भविष्य आपका बने, एक अच्छा सा भविष्य आपका बने। और एक बार फिर सुन लेना, इस बार कॉलेज नहीं मिला है तो घबराए नहीं, कोई नई मंजिल नए सपने आपके इंतजार में है। और एक गाने की लाइन जो अक्सर मैं कहता हूँ कि कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी,
कल की उम्मीद पे इंसान जिया है यारो, इसलिए लग जाओ सारी बातें भूल के। आज तारीख 19 नवंबर को वीडियो शूट हो रहा है, 23 को पहला टेस्ट है, प्रिपरेशन करें टॉपिक देखने के लिए, वही CLC परिवार .in पे जाओ और अपने काम में लग जाओ। थैंक यू, जय CLC।